नमस्कार, मैं मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को जब भी जाने का मौका मिलता है तो वो एक ही राग अलापता है, वो भी कश्मीर को लेकर के। यूनाइटेड नेशन में एक बैठक हुई थी जिस पर वोटिंग हुई थी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान जो कि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के जिस मुद्दे पर बहस चल रही थी, जिसको लेकर वोटिंग होनी थी, इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग तो किया लेकिन कश्मीर पर वो बौखला गया और फिलिस्तीन को कश्मीर बता डाला और कश्मीर से कंपेयर करते हुए फिलिस्तीन वालों को कहीं ना कहीं कश्मीर जैसा पीड़ित बता डाला। इन सब के बीच में इजराइल, जी हां साहब, इजराइल जब भड़का है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद कुरैशी जो कि बौखलाए कश्मीर पर भाषण दे रहे थे और इजराइल ने जब ठोका है, उसके बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे मोहम्मद कुरैशी की यूनाइटेड नेशन में जमकर जूते चप्पल से पिटाई हुई है और नंगा होकर के महमूद कुरैशी कैसे यूनाइटेड नेशन से भागा है। तो अब लिए चलता हूं इस वीडियो की तरफ और आज पाकिस्तान की कश्मीर पर जो नंगा, हमेशा नंगा नाच बजाता है और राग लापता कश्मीर का, यूनाइटेड नेशन में जब भी मौका मिलता है आप कैसे देखते हैं, पहले पूरी खबर देखिए, क्योंकि आज मोहम्मद कुरैशी के नंगा होने वाली खबर आज हर एक फोन तक आप पहुंचाएंगे। आप वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को इतना लाइक करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में भी ये वीडियो देखी जाएगी और पाकिस्तानी अपने विदेश मंत्री को नंगा होकर के देखते वाली वीडियो की लाइक जब देखें तो उनकी आंखें फटी रह जाए। इसलिए वीडियो को इतना लाइक करिए, शेयर करिए और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप एक बार देख लीजिए, आंख कान और जो जो खुलता वो खोलकर देख लो कि कश्मीर को लेकर के तुम्हारा जो विदेश मंत्री, तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है, उसकी इतनी औकात है कि जब भी यूनाइटेड नेशन में घुसने का मौका नहीं मिलता है, चीन की गोद में बैठकर यूनाइटेड नेशन में जाकर घुस जाता है और जब भी वहां घुसने का मौका मिलता है तो एक ही राग अलापता है कश्मीर पर, उसके बाद भी उसकी पिटाई होती है। लिए चलता हूं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फॉरेन मिनिस्ट्री पब्लिक डिप्लोमेटिक से एक ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में लिखा गया था कि आज संयुक्त राष्ट्र महानवाधिकार के परिषद के कब्जे कर लिया गया है और फिलिस्तीन, इसके अलावा, चलिए मैं आपके सामने पहले ट्वीट को दिखा देता हूं, आपको फिर समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए आपके सामने एक ट्वीट, इसमें फॉरेन मिनिस्टर पब्लिक डिप्लोमेसी लिखा हुआ, टुडे स्पेशल यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी सेशन ऑन द ग्रेव ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम इज बीइंग हेल्ड, एफएम विल एड्रेस सेशन ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूएन। ये ट्वीट किया गया था, इसका हिंदी अनुवाद है, आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कब्जे में लिया गया फिलिस्तीन इलाके और पूर्वी यरूशलेम के मानवाधिकारों की भयावह स्थिति में एक विशेष सत्र आयोजन किया गया है। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी संबोधित करेंगे, यूएनएचआरसी से क्या उम्मीद है इस पर चर्चा करेंगे। ये यहां पर ट्वीट था जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। इसको लेकर के इजराइल ने जब ठोका है तो आपको समझ में आ जाएगा। इजराइल का एक ट्वीट आया, उस ट्वीट के अगेंस्ट में रिप्लाई में वो लिखा गया, ह्यूमन राइट चैंपियन पाकिस्तान प्रैक्टिकली लिविंग इन ए पैलेस ऑफ ग्लास इज करंटली प्रीचिंग टू द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एचआरसी स्पेशल सेशन हाइपोक्रेसी एट इट बेस्ट। इसका हिंदी अनुवाद अगर बात करें तो इसमें हिंदी में जो ट्वीट किया गया है, ये पाकिस्तान के ट्वीट जो आपके सामने ट्वीट मैंने दिखाया, ये पाकिस्तान के इस ट्वीट के जवाब में इजरायली विदेश मंत्री का जो ट्वीट है ये किया गया, उनका नाम है अलोन उस्पिच, जिसका मैंने आपको ट्वीट दिखाया, अलोन उस्पिच का, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद है, मानवाधिकार चैंपियन पाकिस्तान की हकीकत शीशे के घर में रह रहा है, मध्य पूर्व इजरायल एकमात्र लोकतंत्र है, उसे पाकिस्तान यूएनएचआरसी से ज्ञान दे रहा है, ये पाखंड की अच्छी मिसाल है, ये पाखंड की अच्छी मिसाल है और अपने को बताया कि ये पाकिस्तान शीशे के घर में रह रहा है,
इस ट्वीट के साथ अलोन ने अमेरिकी विदेश मंत्री की पाकिस्तान के मानवाधिकार को तैयार की गई रिपोर्ट का भी लिंक शेयर किया। इन रिपोर्ट में पाकिस्तान के मानवाधिकार की स्थिति गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। अलोन के इस ट्वीट को इसराइल के विदेश मंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इसे ट्वीट किया गया था। गुरुवार को NHRC में इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पक्ष में 24 देशों को मतदान किया, उसमें एक पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को पास होते स्वागत किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान UNHRC के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी OIC की तरफ से कब्जे वाले फलस्तीन इलाके और पूर्वी यरूशलम में मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। UNHRC के विशेष सत्र में संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के साथ मानवाधिकारों का समर्थन करता रहेगा। फिलिस्तीनियों के उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। 2 हफ्ते तक फिलिस्तीनियों को इजराइल जुल्म ढहाता रहा है। पीड़ित और आक्रामक देशों की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती है। फिलिस्तीनियों का यह अधिकार है, वे सम्मान के साथ जी सकेंगे और भविष्य का फैसला खुद कर सकेंगे। ये बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री का था। फिलिस्तीनियों में जो गाजा पट्टी में आतंकवादियों का जो गढ़ था, जिसको इसराइल ने जिसको तहस नहस कर दिया, इसराइल के तहस नहस करने के बाद आतंकवादियों को, पाकिस्तान आतंकवादियों का रहनुमा, पाकिस्तान और चीन वैसे भी आतंकवाद के गढ़ माने जाते हैं। आतंकवाद पलते पनपते पाकिस्तान में है, उसको फंडिंग चीन करता है। उस फंडिंग के बदले वो POK और जैसे जगहों पर अपने उसके पूरे के पूरे देश को हथियाता है और उसके इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर पूरे विश्व में बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है और अपने इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे होते हैं, उन आतंकवादियों को पूरे विश्व में आतंकवाद का एक्सपोर्ट कराता है, पूरे विश्व में आतंकवादियों को भेजता है और विश्व में मानवता का दुश्मन बना हुआ है, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर, चाहे किसी चीज को लेकर के। और आज इजराइल ने जब फिलिस्तीन पर बम फोड़े हैं और उसके खुद के आतंकवादियों को जब तहस नहस किया, निस्तोनाबूज किया है, तो पाकिस्तान के जरिए चीन भी अब इसराइल को आंखें दिखाने में लगा हुआ है। हालांकि अमेरिका भी इस सबके में, यूनाइटेड नेशन में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मुस्लिम कंट्री द्वारा, मैं आपको बता दूं, कुछ मुस्लिम कंट्री द्वारा महज 24 वोट, क्योंकि अधिकतर देशों में इसमें वोटिंग में भाग ही नहीं लिया था, महज 24 वोटिंग यूनाइटेड नेशन में मिलना, मतलब समझते हैं 192 से ज़्यादा देशों का जहां संगठन है वहां एक सिर्फ 24 वोटिंग करना और बाकी देशों का समर्थन ना मिला, यानी कि वोटिंग ना करना, मतलब साफ है कि आज देश विश्व में एक खास समुदाय जो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था, उस खास समुदाय के वाकई में हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। वो खास समुदाय अब उसका ज़्यादा दिन नहीं है। जैसे आपको देख चुके हैं, पाकिस्तान हो गया और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ जिनके हालत कैसे हो रहे हैं, वही हालत हिंदुस्तान में है। आप सोच सकिए कि अगर फिलिस्तीन में बम गिरते हैं और इसराइल उस पर बम दागता है, उनके आतंकवादियों को मारता है, तो दर्द आजमगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लोग कहते हैं कि काले झंडे लगाएंगे या फिलिस्तीन के झंडे लगाएंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, हर घरों पर झंडे लगाएंगे। अरे ज़रूरत क्या थी, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की सोचो। एक तो देश वैसे भी कोरोना से जूझ रहा, लेकिन आप सिर्फ जमाती बनकर पूरे देश में कोरोना फैला सकते हो। फिलिस्तीन को लेकर के आप युद्ध करने पे खड़े हो जाओगे कि फिलिस्तीन में क्यों इजराइल ऐसा काम कर रहा है। देश के लिए देश हित का काम नहीं करेंगे, और जब जरूरत पड़ती है तो तिरंगा लेकर के और संविधान लेकर के सड़कों पर उतर आते हैं और देश हित की और राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा। अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज़ ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब
हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।